हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुव्रत उपाध्याय आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए सोलर प्लांट से रिलेटेड, एमसीआर बिल्डिंग का। एमसीआर बिल्डिंग मींस मेन कंट्रोल रूम बिल्डिंग। एमसीआर बिल्डिंग से हम अपने पूरे प्लांट की मॉनिटरिंग रखते हैं, जिससे स्काडा सिस्टम रहता है हमारा, तो उसमें अपना कितना जनरेशन हो रहा है डेली का, ये सारे जो भी सिस्टम इंस्टॉल होते हैं, एसटी पैनल हो गए अपने, आईसीओजी पैनल्स हो गए, वो सारे के सारे अपने मेन कंट्रोल रूम बिल्डिंग में इंस्टॉल रहते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा स्टार्ट रहेगा एमसीआर का कॉलम का बैकफिलिंग को लेके, फिर उसके बाद आप वीडियो में देखेंगे कॉलम बैकफिलिंग होने के बाद उसमें पीसीसी हो, पीसीसी के बाद ब्रिक वर्क एंड प्लिंथ बीम तक। आज के वीडियो में हम सिर्फ रिइंफोर्समेंट तक ही आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें आज हम एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रभुनाथ यादव जी, जो जैक्सन से सिविल इंजीनियर हैं हमारे, जो जैक्सन हमारा ईपीसी पार्टनर है इस प्रोजेक्ट के लिए। एंड हमारे पास एम+ से अवेलेबल हैं आदिल शेख साहब, जो सिविल, जो भी सिविल इंजीनियर हैं एम+ के। मधु जी को बताइए कि क्या चीज़ बन रही है। ये अपना एमसीएड बिल्डिंग है, मेन कंट्रोल रूम। करेक्ट। इसमें क्या है सर, अपने 9 टोटल पिलर है। ओके, कॉलम्स। हाँ, 9 कॉलम्स है। ठीक है। और 9 कॉलम्स एक ही साइज के हैं सब। करेक्ट। 300 बाई 450 mm का अपना यहाँ पिलर है। ओके, इसकी एनजीएल से टॉप हाइट कितनी है? एनजीएल से सर एफजीएल आने में अपने को 1 मीटर है यहाँ पर, जिसमें प्लिन बीम का टॉप ऑफ कंक्रीट होगा। जी हाँ, प्लिन बीम के नीचे क्या आएगा? प्लिन बीम के नीचे सर अपना 550 ब्रिक वर्क है। ओके। और उसके बाद 450 आपका प्लिन बीम है, 1 मीटर अपना ये है। गुड, सही है। उसके बाद फ्लोरिंग है सर अपना। अच्छा, तो उसके ऊपर आप लोग फ्लोरिंग भी लगाएंगे? जी सर। तो वर्टिफाइड टाइल्स आएगी? हाँ, वर्टिफाइड टाइल्स। अच्छा, तो इसके अंदर पूरा अरेंजमेंट है, टॉयलेट बाथरूम सब रहेगा? हाँ, टॉयलेट टॉयलेट बाथरूम वो वाला सेक्शन जो दिख रही है सर। जी हाँ, 4 मीटर 940 mm का जी, उसमें सर अपना टॉयलेट बाथरूम का है। ओके। और ये वाला सर अपना केबल टेंच इस एरिया में आएगा। ओके। पैनल यही एरिया में बैठेगा सर। तो बेसिक ऐसा है कि जो मेन कंट्रोल रूम है, ये पूरे प्लांट का जो है, ये मेन कंट्रोल रूम। हाँ सर, ये तो इसके अंदर पूरा स्कैडा सिस्टम लगेगा, जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो लॉसेज आ रहा है, पूरा स्कैडा सिस्टम पे आपको पता चलेगा। ये सामने वाला स्कैडा रूम है। जी हाँ। और अपना मेन गेट यही है बिल्डिंग का। ओके ओके। मेन रूम। और फिर यहाँ इसमें जो भी कनेक्शंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं? थ्रू ट्रांसफार्मर। हाँ सर, ट्रांसफार्मर से। हाँ, ये ट्रांसफार्मर फाउंडेशन है अपना, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसफार्मर आएगा और जो भी इसकी कनेक्टिविटी है, जो साइड में आपको दिख रहा है, इन्वर्टर रूम आएगा वहाँ पे। इन्वर्टर रूम, उसके अंदर स्लैब आएगा पूरा, और उसके ऊपर ना 2 इन्वर्टर आएंगे, इसके कटआउट वो सब पूरे प्रोवाइड होंगे। तो जो भी वायरिंग है थ्रू केबल, थ्रू केबल ट्रेन है, यहाँ से इन्वर्टर में जाएगी पूरा, जो भी कनेक्टिविटी है एट द लास्ट पूरा का पूरा आपको जाके एमसीआर रूम में कनेक्ट हो जाएगा। थ्रू स्कैडा सिस्टम यू कैन व्यू ईच एंड एवरी प्रोग्रेस, और जो भी एक्टिविटी हो रही प्लांट पे वो सब बताया जाएगा। हाँ तो प्रभु जी बताइए। हाँ सर, जो कि पिछले वीडियो में हमने बताए थे सर, ये एक अपना एमसीआर बिल्डिंग बन रहा है। तो इसमें अपने पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे कि ये 9 कॉलम के अपना फुटिंग था। अब यहाँ पर क्या है, अपना जमीन लेवल पर आ गए हैं, एफजीएल लेवल पर आ चुके हैं। एफजीएल लेवल से अपना जो क्लिन बीम का अभी रिइंफोर्समेंट बाइंडिंग चल रही है, जो कि रिइंफोर्समेंट बाइंडिंग आप सर देख सकते हैं सेक्शन वाइज है। जो ये जो छोटे वाले रूम है, ये अपना बाथरूम है, इस पर अपना प्लानिंग जो डिज़ाइन है, ये अपना पेंट्री रूम है, वो बरंडा है, और ये अपना बैटरी रूम है सर। और वो जो सामने वाला जो दिखाई दे रहा है वो अपना पैनल स्कैडर वाला रूम है, और ये पूरा केवेट ट्रेंच का एरिया का रूम है अपना, इसमें अपना पैनल रहेगा, एसटी पैनल सब कुछ। ये अपना केवेट ट्रेंच का वर्क चल रहा है, जो कि सटीन हो रही है सर। अब यहाँ पर हम लोग पैरेलली वर्क कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिस हिसाब से अपना केबल टेंस भी हो जाए, ब्रिक वर्क का भी काम हो जाए, स्टील बाइंडिंग भी चल रही है। स्टील प्लेन बीम की स्टील बाइंडिंग ऑलमोस्ट अपनी कंप्लीटेड है। यहाँ पर सर हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग स्टील यूज़ कर रहे हैं, जिंदल TMT यूज़ कर रहे हैं 550D, तो 12 mm का सरिया है सर, 3 टॉप सरिया है और 3 बॉटम सरिया है सर। और इसके बाद सर हमको अब प्लानिंग करना है, फर्दर प्लानिंग है अपना सटरिंग का, प्लेन बीम का। आफ्टर डैट हम लोग इसका ये कास्टिंग करेंगे,
आज यदि अपना तो इस पर सेटरिंग कब तक लग जाएगी सर? आज अब उसी सेटरिंग के प्रिपरेशन के लिए हम लोग लेवलिंग करा रहे हैं, पहले सेटरिंग का टॉप लेवल देख के उसका आज सेटरिंग करके कल इसका कास्टिंग का प्लानिंग है सर अपना, तो कल इसका प्लानिंग कास्टिंग हम लोग कर लेंगे और हम लोग कोशिश है इस बिल्डिंग को इस महीना में रूफ लेवल तक लेके जाने के लिए। चलिए प्रभु जी। तो फ्रेंड जैसा अभी आप लोगों ने देखा, प्रभुनाथ जी ने अच्छे से एक्सप्लेन की सारी चीज़ें, आदिल शेख साहब ने भी थोड़ा बहुत समझाया, वो भी अच्छे से आपको आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए, आपको और भी अपडेट मिलती रहेंगी। और इस प्रोजेक्ट पे हमारा ऑलमोस्ट पाइलिंग का काम कंप्लीट होने को आया। अभी आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, हमारे पास अभी लगभग 500 के करीबन पाइल पेंडिंग है, तो मे बी नेक्स्ट वीक तक वो सब कंप्लीट हो जाएगा। और पैरेलली फिर हमारी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हैं वो यहाँ पे चालू करेंगे हम लोग, तो उन सब के लिए प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को। थैंक यू।